चलिए आप देखिए, रेडी, देखिए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे। तो आज मैथ्स का पहला क्लास है हम लोग का। पहले आपको हम चैप्टर टॉपिक सब समझा दें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, बस समझिए। देखिए तो देखिए मेन क्या होता है कि बाकी सारे सब्जेक्ट में तो आप पहले से रेडी रहते हो कि पता रहता है, टैक्स में टैक्स का पढ़ाई होगा, अकाउंट्स में अकाउंट्स का पढ़ाई होगा, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का पढ़ाई होगा। ये मैथ सुनने से आदमी सोचता है कि क्या नया पढ़ाई होगा, तो आज वही नया पढ़ाई हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। अब उसमें मार्कर होगा, वरी देखिए तो देख रहा, देखिए हम देखते, हाँ देखा दे दीजिए। चलिए रेडी एवरीवन, तो आज का टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है वो बताते हैं, सिलेबस क्या है वो बताते हैं। आप लोग का सेमेस्टर फाइव में दो पार्ट है, एक है इको और एक है मैथ्स। इको कितना मार्क्स का है? 40। मैथ्स कितना मार्क्स का है? 40। 40-40 कितना हो गया? 80। इको 40 मार्क्स का और मैथ्स कितना मार्क्स का? 40। अच्छा, बाकी 20 मार्क्स कौन देगा? कॉलेज। और आपको 40 मार्क्स इको, 40 मार्क्स मैथ्स। इको में क्या है? इको में भी 5 चैप्टर है, लेकिन आपका कोई चैप्टर 2 मार्क्स का, कोई चैप्टर 6 मार्क्स का, कोई चैप्टर 10 मार्क्स का, वो इको क्लास में आपको बताते हैं। और मैथ्स में जो है 8-8 मार्क्स का 5 चैप्टर है। 8-8 मार्क्स का कितना चैप्टर है बाबू? 5। सिलेबस हम ऑलरेडी व्हाट्सएप में दिए हुए, पूरे डिटेल में पीडीएफ में देखिएगा, उसमें दिया, आज भी भेज दिए थे, उसमें देखिएगा, दिया होगा, दिया हुआ है ना बाबू, तो वहाँ पर देखिएगा आप। टोटल आपको 5 चैप्टर दिखेंगे, 8-8 मार्क्स के, 8 मार्क्स के 5 चैप्टर, ठीक है। तो भाइयों और बहनों, पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे पहला चैप्टर क्या है? देखिए पहला चैप्टर का नाम है यूनिट 1। कौन सा चैप्टर बताइए? यूनिट 1। तो यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 में 3 चीज है, क्या क्या है भाई? फंक्शन, लिमिट और क्या बाबू? कंटिन्यूटी। क्या क्या बताइए? फंक्शन है, लिमिट है और क्या बाबू? कंटिन्यूटी। फंक्शन है, लिमिट है, कंटिन्यूटी। अब अगर आप इसको मार्क्स के, ये चैप्टर कितना मार्क्स कवर करेगा? 8 मार्क्स। फंक्शन एक अलग टॉपिक है, लिमिट एक अलग टॉपिक है, कंटिन्यूटी एक अलग टॉपिक है। ये आप लोग के एग्जाम में फंक्शन और लिमिट ही आएगा, कंटिन्यूटी नहीं आएगा। कंटिन्यूटी का एप्लीकेशन है खाली, बस। तो आपके एग्जाम में क्या क्या है बताइए? फंक्शन और लिमिट। मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का फंक्शन से देगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का लिमिट से देगा। लेकिन ऐसा भी कर सकता है कि दोनों मिला के एक ही क्वेश्चन से दे, लिमिट ही वाला 8 में दे दिया या फंक्शन वाले 8 में दे दिया, ऐसा भी कर सकता है। वो पेपर वो लोग का मूड के ऊपर है, लेकिन आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फंक्शन। हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं बताइए? फंक्शन। तो आप कॉपी निकालिए, कॉपी में हेडिंग दीजिए यूनिट 1। कॉपी निकालिए, कॉपी में हेडिंग दीजिए यूनिट 1, फंक्शन। यूनिट 1 फंक्शन कॉमा लिमिट एंड कंटिन्यूटी। फंक्शन कॉमा लिमिट एंड कंटिन्यूटी, इसका मतलब क्या हुआ बाबू? फंक्शन पढ़ना है, लिमिट पढ़ना है और क्या पढ़ना है? कंटिन्यूटी। यूनिट 1 में बगल में लिख दीजिए ब्रैकेट ओपन करके 8 मार्क्स। रेडी स्टार्ट करें। फंक्शन क्या होता है एकदम धीरे धीरे सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि बच्चे लोग साइकोलॉजिकली इतना डर जाते हैं कि अगर बोर्ड पे ऐसे लिख देंगे ना 2+0, मैंने 0 कहां से आ गया, कुछ तो बात होगा। कोई बात नहीं है, 0 है बाबू, क्या है? 0 है। तो डरिए मत, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखिए, ये बहुत जरूरी है मैथ्स पढ़ने के टाइम में। बच्चे लोग पहले से डर के आते हैं, बोले मैथ्स क्लास है, देखिए कहां होगा, समझ आएगा कि नहीं आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। फंक्शन क्या होता है सुनिए, फंक्शन को अगर आप बोलेंगे तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस प्यार को क्या नाम दे, यही है फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या हो गया? दो वैल्यूज का रिलेशनशिप, दो वेरिएबल का रिलेशनशिप, दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? कभी कभी जैसे देखिए, एक बेटा और पिता, एक बेटा है और उसका पिता है, बेटा और कौन है वो? पिता। तो बेटा और पिता के बीच में एक रिलेशन है ना, कैसा रिलेशन है? जैसा मान लीजिए पिता करेगा वैसे ना बेटा सीखेगा, यस नो गाइस? ये नॉर्मल एक रिलेशन होता है, ठीक उसी तरह से फंक्शन भी वही है। फंक्शन शोज द रिलेशनशिप, फंक्शन शोज द बिटवीन टू वेरिएबल, दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप को कौन शो करता है बाबू? फंक्शन। फंक्शन दो चीजों का रिलेशनशिप को शो करता है। फंक्शन शोज मैथ वाला रिलेशन, कौन वाला रिलेशन? मैथ वाला। मैथ वाला रिलेशन कौन शो करता है? फंक्शन।
कौन सो करता है फंक्शन, कौन सो करता है फंक्शन, सोज द मैथ वाला रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये मैथ वाला रिलेशनशिप सो करता है किसके बीच में, दो वेरिएबल के बीच में, दो वैल्यूज के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में, दो सब्जेक्ट मैटर के बीच में, दो कॉम्पोनेंट के बीच में, तो मैथ वाला रिलेशनशिप इज शोन विद द हेल्प ऑफ फंक्शन फंक्शन फंक्शन, क्या बाबू फंक्शन फंक्शन फंक्शन। तो लिखिए पॉइंट नंबर वन, पहले पॉइंट वाइज नोट्स बनाएंगे, पॉइंट नंबर वन लिखिए, फंक्शन शोज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप, फंक्शन शोज एकदम अच्छा से नोट्स लिखना, आपका बगल वाला को जलन हो जाना चाहिए आपसे, द फंक्शन शोज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा? नहीं, कभी नहीं पूछेगा। तो क्यों लिख रहे, कॉन्सेप्ट बाबू, कॉन्सेप्ट, क्या बाबू कॉन्सेप्ट, क्लियर है? अब इत्मीनान से समझोगे आराम से समझ आएगा, डेफिनेशन हो गया। दूसरा बात यह है कि फंक्शन को शो कैसे करेंगे मैथ्स में। देखिए मैथ्स में फंक्शन किसको बोलते हैं, तो मैथ्स के हिसाब से अगर कॉन्सेप्ट नंबर टू, आप अभी लिखना मत, हम जब बोलेंगे तो लिखना, कोई भी बच्चे मत लिखना, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई मत लिखना, तो इसको ऐसे लिखते हैं। ये क्या है सर, अगर कोई गांव वालों से आप पूछोगे ये क्या है, बोलेगा वाई इक्वल टू ए ब्रैकेट में एक्स, लेकिन अगर मैथ्स वालों से पूछोगे ये क्या है, तो हम लोग इसको बोलते हैं वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। इसको रीड कैसे करेंगे, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई कैसा व्यवहार करेगा डिपेंड करता है एक्स आपके साथ कैसा व्यवहार किया था, तो वाई इज द फंक्शन ऑफ क्या, एक्स। वाई क्या, इसका मतलब क्या हुआ, वेन यू से वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, वाई का वैल्यू दो होगा ना, तीन होगा ना, चार होगा ना, पांच होगा ना, सात होगा ना, दस होगा, वो किसका वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, बोलिए एक्स। इसको रीड कैसे करिएगा, वाई इज द फंक्शन ऑफ, अच्छा आप कैसे रीड करोगे, आप ऐसे बोलोगे क्या, वाई इक्वल टू एफ ब्रैकेट वा में एक्स, ऐसे बोलोगे क्या, कैसे बोलोगे, वाई इज द फंक्शन ऑफ, 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 द वाई पूरा का पूरा किस पे डिपेंड कर रहा, एक्स। वाई का वैल्यू दो होगा, चार होगा, छह होगा, दस होगा, बीस होगा, किसका वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, एक्स। तो सर एफ क्या है, एफ फंक्शन है बाबू, एफ क्या है, तो देखिए यहां पर इसको अगर सिंबलाइज करेंगे आप तो कैसे सिंबलाइज होगा, इसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट, काहे सर काहे, वाई के वैल्यू डिपेंड करता है किसका ऊपर, एक्स, और एक्स को क्या बोलेंगे, इनडिपेंडेंट, क्या बोलेंगे मित्रों, और एफ क्या है बाबू, एफ फंक्शन है बाबू, एफ क्या है, यस, एफ शब्द से क्या पता चलता है, एफ फंक्शन को इंडिकेट कर रहा, कॉन्स्टेंट। तो ये सिंबलाइजेशन समझ गया ना, तो बताइए फंक्शन को कैसे शो करते, वाई इज द फंक्शन ऑफ, वाई इज द फंक्शन ऑफ, मतलब वाई का वैल्यू डिपेंड करेगा किसका वैल्यू पे, किसका वैल्यू पे, किसका वैल्यू पे, लिखिए पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू कॉपी कर लीजिए, एकदम ऐसे ही कॉपी कर लो भाई जैसे हमने लिखा है, जैसे हमने लिखा वैसे कॉपी कर लीजिए। चले क्या, अच्छा यहाँ ये समझ गया ना रिलेशनशिप, अब सर ये तो ठीक है बट सम्स क्या यही आएगा, नहीं सम्स में कैसे बनाएंगे, इसका क्या फॉर्मूला है, देखिए इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं, जब भी आप फंक्शन चैप्टर करोगे बस एक बात याद रखना है, हटाओ और बैठाओ, क्या बाबू हटाओ और बैठाओ, यही है इसका फॉर्मूला। एक कैसे सर, हटाओ बैठाओ का मतलब क्या, देखिए अब आपको यहाँ से शुरुआत करें, एग्जाम्पल वन, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन, दिख रहा सारे बच्चों को, दिख रहा ना सारे बच्चों को, अगर ऐसे लिख दिया, एग्जाम्पल वन से शुरुआत करिए, अगर क्वेश्चन में रहा मान लीजिए इफ
इफ एफ इक्वल टू हम 1 बैठाते हैं तो कैसे आंसर निकालेंगे, जहां जहां x है ना, जहां जहां कौन है x, वहां वहां क्या बैठा दीजिए 1, बस खत्म। ये सम्स से इतना इजी है, अभी तो एग्जांपल कर रहे हैं, सम्स आएगा धीरे धीरे। अभी एग्जाम हो, देखो क्लास में जो चीज एग्जांपल बोल के करेंगे मतलब वो कॉन्सेप्ट के लिए, और जो चीज क्वेश्चन बोल के लिखवाएंगे मतलब वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। क्लियर है गाइस? और एक एक लाइन का क्वेश्चन है तो उसके लिए क्या फोटो भेजेंगे, सब कोरली लिखते जाएंगे, बोर्ड में करते जाएंगे साथ साथ। तो एफ एक्स, एक्स की जगह पर कितना है 1, तो जहां जहां एक्स है ना वहां वहां क्या बैठाओगे 1। सर बैठा के दिखाइए ना, आइए बैठाते साथ में। 4 एक्स की जगह पे क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर, 5 एक्स की जगह पे क्या लिखोगे 1, और यहां पे 7, ये कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर कितना होगा जी 1, 5 का स्क्वायर कितना होगा जी 5 * 1 कितना होगा जी 5, 5 * 1 4 होगा बाबा, प्लस 7 तो कितना आ गया 4 - 5 + 7, कोई बताएगा कितना आएगा? 7 * 4 = 11, 11 - 5 = 6 माइनस पांच कितना 6, कितना सोच रहे बाबा, 6 बन गया। तो सम्स इतना हार्ड है सर, ये ऐसे होगा। आपको अभी हम लगातार 3-4 तो रिप्लेस खाली करके दिखाएंगे। एग्जाम्पल 1 ये था हम लोग का, एग्जाम्पल 1 मतलब दिस इज फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ द सम्स, नॉट द सम्स, ये सम्स का कॉन्सेप्ट है। खाली हटाओ और बैठाओ, जहां जहां एक्स आएगा ना वहां वहां क्या लिख दियो आप 1, उतारिए एग्जाम्पल 1 हो गया। अनुप समझे बाबू कैसे किए, जहां जहां 1 था वहां क्या बैठा दिया बताइए, जहां जहां x था वहां क्या बैठा दिया बाबू 1, आराम से उतारिए। चले एग्जाम्पल 1 कॉपी किए, एग्जाम्पल 2 आप लोग बताना करे। अब एग्जाम्पल 2 करते हैं हम, इसी इक्वेशन में करके आपको दिखाते हैं, इसी फंक्शन में आपको करके दिखाते हैं, इससे आप बेटर समझ पाएंगे कि चेंज क्या हो रहा है। सिनेरियो 2 में चलते हैं, एग्जाम्पल 2 में अगर f आपको बोलता है f, अगर f का वैल्यू 0, अब कैसे करेंगे देखिए आप लोग बताना, ठीक है बताओगे ना, 4 * x² की जगह 5, अच्छा x की जगह 7, अच्छा 0 का स्क्वायर, बोलो ऑनलाइन वाले बच्चे लोग भी बोले, आप लोग भी बोले 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, बच्चे लोग सेम 3 में पढ़ा रहे थे इसमें भी कंफ्यूज है, बोला कुछ तो बात है मैथ्स, अजब बात है मैथ्स के, तो क्या हुआ 0 का जगह 0 ही ना होगा बाबू, 5 * + 7 को देखते हैं कौन बताता है, नहीं ये कितना आएगा बताइए, हाँ इसमें डरिएगा मत, ये कितना आएगा फाइनल आंसर, कोई दिक्कत बताइए, क्या ऐसा समझाएगा नहीं बताइए, ये बहुत इजी है, अब धीरे धीरे समझ में जाएंगे ना, ये तो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। बताइए अंजलि, चले हो गया अब, चले क्या अब एग्जाम्पल 3 आप लोग बताना इस बार, हाँ एग्जाम्पल 3 क्या लिखे, एग्जाम्पल 3 में बताइए क्या था इक्वेशन, क्या 4x² - 7, अच्छा अगर देखते हैं ये कौन रहता है, अगर मान लीजिए यहां पर x की जगह y होता तो आप इसको कैसे लिखेंगे आप लोग बताना, 4 क्या लिखेंगे y माइनस 5 प्लस 7, 4y² - 5y + क्या बाबू 7,
इसका फाइनल आंसर 4y² - 5y + 7। कॉपी करिए, खाली हटा रहे और बैठा रहे, खाली क्या कर रहे, हटा रहे और बैठा रहे, और कुछ कर रहे? बोलिए, अब करेंगे धीरे धीरे। चले आगे, लास्ट डेमो कर रहे हैं। अब एग्जांपल फोर में चलते, चलिए एग्जांपल फोर। अगर मान लीजिए fx = थोड़ा चेंज करते हैं नंबर को, 3x² - 5x + 6, और अगर आपको रिप्लेस करना रहे 1/x से तो कैसे करेंगे? चलिए आप लोग बताइए कैसे लिखेंगे, बताइए। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या होगा, 1/x, तो 3 × 1/x² यस नो गाइस, -5 × 1/x यस नो गाइस, +6, कोई दिक्कत है? बोलो, अब इसको लिखेंगे कैसे बताइए? 3 × x² - 5 × x + 6, किसको दिक्कत है बोलिए? सर 3 × x² कैसे हो गया? आप 1 × x वाला पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x होगा ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, उसको इंटू करेंगे, ये वाला पार्ट देखिए 1 x² तो कितना होगा, 1 × x² होगा ना, इंटू 3, तो कितना होगा 3 × x² उतारिए। चले क्या, देखिए अब यहां से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तब से एक ही टाइप का समझ लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ समझने के लिए। समझिए कैसे रिप्लेस होगा, जहां जहां एक्स होगा, जहां जहां वहां वहां नंबर को बैठाते जाएंगे, जो भी नंबर रहेगा उसको बैठाते जाएंगे। अब धीरे धीरे सम्स में चलते हैं। अब कॉपी में लिखिए क्वेश्चन नंबर वन, मतलब अब ये एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक में हम लोग चले गए। यहां तक हम लोग बस समझ रहे थे कॉन्सेप्ट को, यहां तक हम लोग बस समझ रहे थे कॉन्सेप्ट को। अब हम लोग सम्स के आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उतार लीजिए सारे बच्चे, ये हाँ यही वाला उतार लिए ना आप लोग। चलिए पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर वन उसके बाद सम्स बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं PDF। देखिए अब एक तो क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन, उसके लिए क्या स्क्रीनशॉट भेजेंगे, इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन बुढ़वा में लिख दे रहे। कहाँ लिख दे रहे? बुढ़वा में। रेडी, चलिए देखिए क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, लिखिए पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ fx = x² - x then prove that h + 1 = f - h। बस चलिए पहले क्वेश्चन लिख लीजिए अच्छे से। इफ fx = x² - x देन प्रूव दैट fh + 1 = f - h। देख के ही लग रहा है कि ये क्वेश्चन है एग्जाम का, देख इसका लक्षण देख के ही लग रहा है क्वेश्चन है, ये लग रहा ना बाबू? लेकिन देखिए इजी है बहुत ही, खाली आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। कोई फॉर्मूला नहीं इसमें, हटाओ और बैठाओ, हटाना है और बैठाना है, बस कैसे बैठाना है वही समझना है। ऐसा क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, प्लीज बोर्ड में ध्यान दीजिएगा भाई और बहनों। रेडी हो ना आप लोग? आ जाओ देखते बनाते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, बोला इफ
इफ अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो, मतलब ये पार्ट दिया हुआ है राइट, क्वेश्चन बोला इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो, मतलब ये वाला पार्ट दिया हुआ है राइट, हाँ कि नहीं बोलो, आवाज सुनाई नहीं दे रहा बाबू, तो ये वाला पार्ट गिवन ना, प्लीज बोल, आज आप लोग बोल नहीं रहे कुछ, तो ये वाला पार्ट दिया हुआ है ना बाबू, अच्छा अभी तक पूछे भी तो नहीं, ये वाला पार्ट दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, आपको ये वाला पार्ट तो इफ इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स देन प्रूव दैट, प्रूव करके दिखाइए, प्रूव करके दिखाइए कि एफ एच प्लस वन का जो वैल्यू आएगा वो एफ माइनस एच के बराबर होगा, यस नो गाइस? सर ये क्या है सर, इसको बचपन का मैथ्स में बोलते थे, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, क्वेश्चन लिख लियो ना सारे बच्चे, ऑनलाइन वालों भी आप लोग भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स देन प्रूव दैट एफ एच प्लस वन इक्वल टू एफ माइनस एच, मतलब ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड, दोनों आपको प्रूफ करके दिखाना है। बोला है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो तो आप हमको प्रूफ करके दिखाइए कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू अगर ये होगा तो उसका जो आंसर आएगा, और राइट हैंड साइड का वैल्यू अगर ये होगा तो उसका जो आंसर आएगा, दोनों क्या आएगा सेम। क्लियर, क्वेश्चन समझे कि नहीं, बोलिए पहले पहले हमको ये बताइए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बताइए इफ एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आपका गिवन कॉम्पोनेंट है, दिया हुआ है ना ये चीज, अब आपको इसी में बैठा बैठा के प्रूफ करना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में h प्लस वन हो तो आंसर कितना होगा, अगर h राइट हैंड साइड में माइनस h हो तो आंसर कितना होगा, और दोनों सेम आना चाहिए। क्वेश्चन वाला बोल दिया, बोला प्रूफ करके दिखाइए ना, प्रूफ करके दिखा रहे, देखिए रेडी। तो अब एग्जाम में करने का दो तरीका, एक तो होता है गोपी किसन वाला तरीका, गोपी किसन वाला तरीका मतलब पहले लेफ्ट हैंड साइड पूरा लिखिए फिर राइट हैंड साइड पूरा लिखिए फिर दोनों प्रूफ करिए, एक तो हम लोग का तरीका, हम लोग क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे एग्जाम में, हम लोग क्या करेंगे ये वाला जो पार्ट है देखिए कैसे करेंगे हम लोग, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन क्या करेंगे दो पार्ट में पेंसिल से ड्रॉ कर ली, अब क्या किया इधर लिख दिया एल एच एस, इधर क्या लिख दिए आर एच एस, राइट गाइस? लेकिन एक बार में प्रूफ मार देंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये तो गिवन है ना, फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गिवन है ना, ये वाला पार्ट तो दिया हुआ है हाँ कि नहीं, अब बोला है अगर लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला वैल्यू बैठाने के लिए बोला है एफ एच प्लस वन, बोला है ना थोड़ा दूर लिख रहे एफ एच प्लस वन अगर हो तो कितना होगा, जहां जहां एक्स है एक्स स्क्वायर की जगह क्या बढ़ेंगे एच प्लस वन का स्क्वायर, राइट? हाँ कि नहीं बोलिए, खाली बोलिए, माइनस एक्स की जगह क्या बढ़ेंगे एच प्लस वन, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं बोलो, देखिए लेफ्ट हैंड साइड का ये तो गिवेन है ना दोनों में, तो जो भी आंसर आएगा दोनों में बैठाने के बाद ही आएगा, तो बोला अगर लेफ्ट हैंड साइड में h प्लस वन हो तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या किए x की जगह क्या बढ़ा दिए h प्लस वन, अगर x की जगह h प्लस वन है तो जहां जहां x होगा ना जहां जहां वहां वहां क्या बढ़ाएंगे h प्लस वन, क्लियर है गाइस? तो अच्छा ये बैठा तो दिए सर, अब इसको ऐसे छोड़ देंगे नहीं, इसको सॉल्व करना होगा नहीं तो फिर हमारी अधूरी कहानी हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये a प्लस बी का स्क्वायर आ गया ना, याद है बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे a प्लस बी का स्क्वायर, किसको याद है भाई a प्लस बी का स्क्वायर, इतना बच्चा को याद है, निधि बोलो बाबू, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है? देख कर रहे ए स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर, दिख रहा सबको बाबू, ए स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू के जगह पे टू होगा, ए के जगह पे एच होगा, अब बी के जगह पे क्या होगा वन, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, यस नो गाइस? लो ब्रैकेट में कर दे रहे, एक स्टेप और बड़ा कर लेते हैं सम्स को, कोई दिक्कत? अब इसको ब्रेक करेंगे, देखिए ना बहुत मजा आएगा, एच स्क्वायर प्लस टू एच प्लस क्या बाबू वन, वन का स्क्वायर तो वन ही होगा ना जी, माइनस एच ब्रैकेट ओपन कर तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा ना, अब देखो माइनस वन प्लस वन केटे गए छे, यस नो गाइस? एच स्क्वायर प्लस टू एच में से एक एच चला गया बचा कितना एच, यस 2h में से h गया कितना है, दो दो h था, एक तो h चला गया बचा क्या दो h, एक तो h, यस नो गाइस? ये इस साइड में इतना आएगा, अब इसके ज्यादा सॉल्व नहीं होगा इसके आगे, ये आया ना इस साइड में, अब उस साइड में देखते हैं इतना आ रहा कि नहीं, अगर आ गया तो प्रूफ, नहीं आया तो गलत हो गया हम लोग का सवाल, रेडी ना? अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या बैठाने बोला था, माइनस एच एक्स स्क्वायर का यहाँ पे क्या होगा, माइनस एच का स्क्वायर माइनस माइनस एच
यस और नो गाइस, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या बढ़ाएंगे, माइनस एच, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या बढ़ेंगे, माइनस 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 एफ माइनस एच, राइट हैंड साइड प्रूव कर रहे, माइनस एच के स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बी एच स्क्वायर, साइन तो उड़ जाएगा ना बाबू, साइन तो गायब हो जाएगा, यस और नो, और माइनस माइनस की हो बे प्लस हो बे, देखो मैच किया दोनों साइड, इसको क्या बोलेंगे, हेंस हेंस प्रूव्ड एल एच एस इक्वल टू, वो हम लोग पहले ही लिख के बैठे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, कोई दिक्कत, उतारिए, ये है सम्स, इतना देरी से जो कर रहे तो सम्स नहीं था, इतना देरी से हम लोग डेमो दे रहे थे आपको, लेकिन इसमें भी वही लॉजिक काम आया ना, वही लॉजिक काम आया, हटाओ और बैठाओ, हटाओ और बैठाओ, सूर्य चू वाले दे दिया टूल, उतारिए आप लोग, लाइन पे ही है, लाइन क्रॉस नहीं कर रहे, उतारिए, हाँ नहीं नहीं रहने दीजिए, कंटिन्यू रखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन में चले, जो उतार उतारने दी, हो गया क्या, देखिए चले, तो किसी को इसमें डाउट है तो बोलिए, यहां पे क्या करने बोला था क्वेश्चन में, बोलिए, बोला था कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हुआ तो ये वाला पार्ट तो गिवन है, तो बोला प्रूव करके दिखाइए
एफ एच प्लस वन इक्वल टू एफ माइनस एच, मतलब अगर x की जगह h प्लस वन हो लेफ्ट हैंड साइड में तो कितना आएगा, और अगर राइट हैंड साइड में x की जगह माइनस h हुआ तो कितना आएगा, ये आपको प्रूव करके दिखाना था। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में किसको सब्सटीट्यूट किया बताइए, h प्लस वन को सब्सटीट्यूट किया, जहाँ जहाँ x दिखा वहाँ वहाँ क्या लिख दिया बताइए, h प्लस वन, और जहाँ जहाँ हमको उस साइड में माइनस उस साइड में जहाँ जहाँ x दिखा वहाँ पे क्या बैठा दिया, माइनस h, कोई दिक्कत? उसके बाद बेसिक मैथ से सॉल्व कर दिया, क्या बोलते हो, हाँ बोलते हो कि ना बोलते हो? चलो आगे बढ़े, अब अगला पार्ट में चलते हैं। अगला पार्ट में क्या है भाइयों और बहनों, देखिए यहाँ तक हो गया ना सबका, मिटा दे इसको। तो चलिए अगला पार्ट है हम लोग का, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू लिखिए, क्वेश्चन में क्या लिखिएगा, टू, ये थोड़ा और स्टैंडर्ड करते हैं अब धीरे धीरे, क्वेश्चन नंबर टू, चलिए क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दे रहे, आप लोग छाप लेना, चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर टू दिख रहा सबको, क्वेश्चन नंबर टू देखिए, इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय बी एक्स प्लस ए कॉमा प्रूव दैट एफ एक्स इंटू एफ वन बाय एक्स इक्वल टू वन, देख के लग रहा कि क्वेश्चन है ये, देख देख, इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाय बी एक्स प्लस ए प्रूव दैट एफ एक्स इंटू एफ वन बाय एक्स इक्वल टू वन, इधर ही क्वेश्चन कॉपी किया ना बाबू, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो सारे बच्चे, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, चले बाबू चल रहे, रुकिए देखिए क्लियर है, आगे बढ़े। अब यहां पर क्वेश्चन में बोला है, अब ये क्वेश्चन में देखिए कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि अगर अगर एफ एक्स इक्वल टू इतना है, अगर एफ एक्स इक्वल टू इतना है तो आप हमको प्रूफ करके दिखाइए कि एफ एक्स ठीक है और एफ वन एक्स दोनों का इंटू करने के बाद डॉट है बीच में, डॉट का मतलब क्या हो गया, इंटू करने के बाद वन आएगा आंसर, कितना आएगा वन, मतलब आपको क्या शो करना है, आपको ये शो करना है, देखिए एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इक्वल टू क्या बाबू वन, एफ एक्स का जो आंसर आएगा एफ वन बाई एक्स का जो आंसर आया दोनों का इंटू करके कितना आना चाहिए बताइए वन, तो आप इधर देखो ना प्लीज, आपके पास एफ एक्स का वैल्यू तो पहले से है ना, ए एक्स प्लस बी, प्लीज बोर्ड में ध्यान दो नहीं तो फिर बाउंस जाने लगेगा, बी एक्स प्लस वन इंटू ये वाला वैल्यू नहीं है ना आपके पास, ये वाला वैल्यू है बताइए, ये वाला वैल्यू है एफ एक्स तो आपके पास है, क्या आपके पास एफ इंटू वन बाई एक्स है, तो उसको निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए, सो कैसे निकालेंगे देखिए एफ वन एक्स, अब अगर इसमें ए एक्स प्लस बी बाई बी एक्स प्लस ए, अब जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या बैठाएंगे बताइए वन बाय, प्लीज सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या बैठाओगे वन बाय एक्स, तो वन बाय एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स है ना, एक्स क्या बैठेंगे वन बाय एक्स प्लस ए, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत है तो बोलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अच्छा इसको कैसे लिखेंगे याद है किसी को पता है, ए बाई एक्स प्लस बी राइट डिवाइडेड बाई बी बाई, कोई दिक्कत है, स्टेप बाय स्टेप समझिए, बनने के बाद समझने के क्या हो गया, साथ साथ समझते जाइए, कोई दिक्कत है तो बोलिए यहां तक प्लीज, दिक्कत है तो बोलिए। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, याद आ रहा है एलसीएम लेते थे बचपन में, बी के नीचे कुछ नहीं है मतलब कितना है वन है, बी के नीचे कुछ नहीं मतलब कितना है वन, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा एक्स ए प्लस बी एक्स, कोई दिक्कत बोलिए, दिक्कत है तो बोलिए,
देखिए मेरा काम यहाँ तक था, यहाँ से आपको एलसीएम लेना है, ये बेसिक मैथ्स है। एलसीएम ले लोगे ना, ले लोगे तो उसके बाद बड़ा सा लाइन टान दिया। अब इसका करते नीचे वाला पार्ट का, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा एक्स, यहाँ कितना होगा बी, ये क्या होगा यस और नो, उसका देखिए। अच्छा मैथ्स में कैसे रूल ही पता है ना, ए बाई बी सी बाई डी, अगर नंबर ऐसा रहेगा तो कैसे लिखेंगे, ए बाई बी इंटू डी बाई सी, उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, याद आ रहा ना, याद आ रहा तो रूल, तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, ए प्लस बी एक्स बाई एक्स इंटू एक्स बाई बी प्लस ए एक्स, एक्स एक्स कटे गए कितना है ए प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई बी प्लस ए एक्स, देखिए ए प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स, देखिए कट गया ना सब, कटे गच्चे कटे गच्चे कटे गच्चे कटे गच्चे, आंसर कितना आ गया वन, प्रूफ कर दिए आंसर कितना आया वन, मतलब फिर से बता रहे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई बी एक्स प्लस ए, प्रूफ दैट, निकाल के दिखाओ, निकाल के प्रूफ दैट एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इक्वल टू वन, मतलब ये प्रूफ करना था, देखिए एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इक्वल टू वन, तो एफ एक्स तो मेरे पास पहले से ही है, क्या एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बी एक्स प्लस ए, कोई दिक्कत आपको, आपके पास एफ इंटू वन बाई एक्स नहीं है, तो एफ इंटू वन बाई एक्स निकाल लिए नीचे में, कैसे निकाल लिए देखिए, जहां जहां एक्स था वहां वहां क्या बढ़ा दिए वन बाई एक्स, देखिए वन बाई एक्स बढ़ाए, वन बाई एक्स बढ़ाए, उसके बाद क्या किया उसको सॉल्व कर दिया बेसिक मैथ से, यस नो गाइस, सॉल्व कर दिए तो कितना आ गया ए प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई बी प्लस ए एक्स, बस जो आया उसको वहां पे लिख दिया ऊपर में, तो ऊपर में लिख दिया तो देखिए आंसर क्या आ गया, काट कूट के कितना आ गया वन, सब कट गया, तो देखिए ये कट गया ये कट गया, आंसर कितना आ गया वन, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, कॉपी करिए। उतार लीजिए, उतारते उतारते भी ना थोड़ा बहुत क्लियर होगा, समझे ना, आपको कोई डाउट होगा तो उसको क्लियर कर लिया जाएगा, अब ये लगभग निकाले तो दो नो 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 सीट्स लेफ्ट, उसमें जगह बचा हुआ नहीं है ना बाबू, तो आप ऑनलाइन करना होगा, अब आप लेट हो गए बाबू, अब ऑलरेडी भर गया सीट, अब सुबह वाला में जगह भी नहीं है, सुबह वाला में भी जगह नहीं, इसमें अगर लिख देते ना पीडीएफ में बिजनेस मैथ्स डे वन परमुटेशन तो बेटर रहता, पीडीएफ का रीनेम कर दीजिए, हाँ आपको रूटीन भेज दे रहे पूरा, तो याद नहीं रहा और वही तो इसमें आपका अकाउंट्स में सम से, मैथ्स में सम से, टैक्स में भी सम से, लेकिन थोड़ा अभी स्टार्टिंग में जीएसटी कर रहे हैं इसलिए थ्योरी कर रहे हैं हम लोग, इसमें भी समसी है, इको सम थ्योरी है,
मैथ्स अकाउंट्स अभी तक फिलहाल के लिए आएंगे, फिर टैक्स में जब डायरेक्ट टैक्स पढ़ाएंगे तब आइएगा। ऑडिट भी थियोरी है, नहीं नहीं होगा उसका जब तक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा ना बुक से रीडिंग करने से। हाँ ऑडिट बहुत सारा चीज़ है उसमें नया। हाँ वीडियो देख के कर लीजिए। उतार लीजिए, हो गया क्या सबका? उतारने दिए, एक दो बच्चे उतारे। तो जब आप उतारेंगे ना तभी आपको क्लैरिफाई होगा कि ये क्या किए हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखो इक्वेशन ले लिया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया एकदम एलसीएम पेलसीएम लेके। तो यहाँ पर क्यों है? एक बच्चे ने पूछा कि भाई वन बाई एक्स ही वाला क्यों निकाले, क्योंकि एक्स वाला तो आपके पास ऑलरेडी है, एफ एक्स का वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास था, एफ वन बाई एक्स का वैल्यू आपके पास नहीं था, तो वन बाई एक्स का वैल्यू को आप निकाल लिए, निकाल करके उसमें बैठा दिए, मतलब बैठा करके आंसर सॉल्व कर दिए एलसीएम लेकर के। यहाँ से एलसीएम लिए हम लोग, जल्दी उतारिए अब, बिकॉज आई चेक्ड। हाँ क्यों नहीं होगा बाबू, ध्यान नहीं दिया यार, साथ ही है ऐसे भी ना। आज कर लेंगे देख रहे हैं, बस कुछ होगा। हो गया क्या? चलिए यहाँ तक हो गया सबका। अब एक तो अब इजी क्वेश्चन एक दो आप लोग करके दिखाइए, यहाँ तक हो गया क्लियर है गाइस? मिटा दे रहे, अब आप लोग करके दिखाइए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का मतलब वो इजी क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस के लिए, और क्वेश्चन नंबर मतलब वो टफ सम्स है, याद रखिएगा। ये आप लोग का इंडिकेशन हो गया क्लास का। एग्जाम्पल नंबर वन यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फिर से, चलिए सॉल्व करके दिखाइए। इफ If एफ एक्स इक्वल टू देन फाइंड, चलो करके दिखाओ। हाँ इफ एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट देन फाइंड एफ फोर। आप लोग खुद से करो फिर हम करते, धीरे धीरे करिए। From today we are starting the classes, so when you will see the video you will find that whether you are able to do the classes or not over the online, got it? So after few hours we'll upload the video, you can check from there. Kya hua bachcho, karo khud se karo, kya hua? चले क्या? चलो मिला लो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे लोग भी, ऑफलाइन वाले बच्चे लोग भी, देखते हैं आपका सही है कि गलत। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है। अच्छा एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट, ये है, ये तो गिवन है ना बाबू। इसी में क्या करना, अगर आपको एफ फोर निकालना है, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या बैठाइएगा? चार। देखते हैं कौन सही बैठाया भाई, फोर है ना जी, फोर क्या है तो स्क्वायर की प्लस क्या बाबू एट,
3 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होगा जी 16, 6 इंटू 4 कितना होगा जी 24 और 8, 48 माइनस 24 प्लस 8, 48 8 56, 56 माइनस 24 कितना होगा? किसका आंसर सही था? हार्ड एक बार गुड चेंज करें क्वेश्चन, हटा इसको, अगला क्वेश्चन करिए। देखिए रेडी, ये उतार लिया ना आप लोग, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा रिप्लेस करते हैं, एग्जांपल टू आप लोग करोगे, इसका आंसर करिए। एफ इक्वल टू जेड, बहुत फास्ट बना ले रहे आप लोग, हो गया क्या? देखिए प्राइवेट कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस, देखिए जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या बैठाइएगा? जेड का स्क्वायर 6 जेड प्लस 8, इजी है ना, 3 जेड स्क्वायर माइनस यही यहां तक है ना, ग्रेट हो गया। तो हो गया, एक और कर लीजिए फिर अपना अपना घर चल जाएंगे हम लोग, ठीक है? आप लोग देखिए ये जो सम्स जो मेन, अच्छा इतना सम्स के उसमें मेन सम्स कौन सा था? वो दोड़ो मेन सम्स था, ये बस प्रैक्टिस करे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हम लोग, ठीक है? मेन सम्स होता था, उसको जाके घर में जरूर रिवीजन करिएगा, पहले खुद से बना के देखिएगा, अगर नहीं बना तो फिर पूछिएगा कि भैया ये अलग कैसे होता है एक बार बताइए, तो करना पड़ेगा घर में थोड़ा सा, बात समझ रहे? क्योंकि नया सब्जेक्ट है ना इसीलिए। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, एग्जाम्पल 3, इफ सिक्स एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, देन फाइंड एफ 8। इजी क्वेश्चन है, करके बताइए जल्दी, ऑनलाइन ऑफलाइन सब। आज ब्लैंक कॉपी लेके आइएगा, आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा अकाउंट्स में, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, तो नया कॉपी लेके आ जाइए, बस हो गया, आज से क्लास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 बजे वाले बैच में आ जाइए, बस समझे बाबू? हो गया क्या बाबू, कितना है बताइए, लिख दे एक बार बोर्ड में, अच्छा रहेगा बच्चों को देखने में। 6 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 प्लस 1, 6 इंटू 64, राइट? ये है ना जी, ये कितना 16
कितना आएगा 384 माइनस 16 प्लस 1 कितना आएगा बोलो 9। कॉपी कर लो भाई, हो गया। फिर मिलेंगे अगला क्लास। थैंक यू सो मच बच्चों।